नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता और सिरसा जिला प्रभारी बजरंग गर्ग ने सिरसा के कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता में कहा कि पिछले 9 सालों से हरियाणा पर करोड़ों रुपए का कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। बजरंग गर्ग ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। इसके साथ बजरंग गर्ग ने केंद्र और हरियाणा सरकार पर भी जमकर भड़ास निकाली। बजरंग गर्ग ने राहुल गांधी के मामले में भी केंद्र सरकार को खरी खोटी सुनाई। बजरंग गर्ग ने कहा कि कांग्रेस नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद चुनाव अपने सिंबल पर लड़ेगी, चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। बजरंग गर्ग ने कहा कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव का शंखनाद इन युवाओं से ही कांग्रेस बचाएगी। सिरसा से हमारे संवाददाता विकास ओहलियान की रिपोर्ट। मोदी साहब ने विपक्ष की आवाज दबाने के लिए जल्दबाजी के अंदर राहुल गांधी जी की संसद से सदस्यता रद्द की है, जो पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है। मैं पूछना चाहता हूं, ललित मोदी, नीरज मोदी, ये देश का अरबों रुपए लेकर फरार हुए नहीं हुए? ये दोनों व्यक्ति बेईमान व्यक्ति है और सीधी भाषा के अंदर देश के एक गद्दार है। इस बात को क्लियर करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने उनको पकड़कर उनके जो पैसे की रिकवरी है वो करनी चाहिए थी, मगर उल्टा उन पर कार्रवाई करने के बजाय राहुल गांधी जी ने जो अडानी का और मोदी जी का जो भर्त मिलाप था, जो प्यार था, उसके पत्ते खोलने शुरू कर दिए। किस प्रकार अरबों रुपए सरकारी बैंक से लोन दे दिया, किस प्रकार सरकारी कंपनी LIC जिसके अंदर जनता का अरबों रुपए लगा हुआ है, वो सरकारी पैसा प्राइवेट कंपनी के अंदर पूंजी निवेश कर दिया। जो व्यक्ति 2013 के अंदर विश्व के 609 स्थान में था, मोदी जी की दोस्ती के कारण विश्व के दूसरे स्थान पर पहुंच गया और भारत के पहले स्थान पर पहुंच गया कि जादू की छड़ी थी कि? जहां तक आंकड़े का सवाल है, 2013 तक गौतम अडवाणी की जो पूरी आप प्रॉपर्टी सारी कीमत लगाओगे, चल अचल संपत्ति 51,573 करोड़ रुपए की थी, और मोदी जी की कृपा के कारण, दोस्ती के कारण वो 19,20,000 करोड़ के ऊपर। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।